शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेरा आज का विषय गीता में कर्मयोग है। गीता का प्रारंभ एवं अंत कर्म की समस्या से होता है, जहां मुख्यतः नैतिक एवं व्यावहारिक उपदेशों की व्याख्या की गई है। कर्म का अर्थ आचरण है। उचित कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ हैं, इसीलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म मार्ग ही अत्यंत आवश्यक है। शुभ कर्म ईश्वर की एकता का ज्ञान देता है। अशुभ कर्म वह है जिसका आधार अवास्तविक वस्तु है। यद्यपि गीता का मुख्य उद्देश्य का केंद्र नैतिक समस्या का समाधान है, किंतु यह तत्वमीमांसा के ठोस धरातल पर आधारित है। निष्काम कर्म मानवों को शिक्षा देता है कि हमें सतत कर्म करना चाहिए, किंतु वह सकाम न होकर निष्काम हो। इसे गीता में कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। योग एवं कर्म के मध्य योग कर्मसु कौशलम कहकर तादात्म्य संबंध स्थापित किया गया है। गीता का कर्मयोग या निष्काम कर्म ही इसका केंद्रीय सिद्धांत है। गीता का कर्मयोग ही वह अमृत उपदेश है जिसने युद्ध से विरक्त अर्जुन को युद्ध की ओर प्रेरित किया तथा नैतिकता के उच्च आदर्शों के पालन में अग्रसर किया। कुरुक्षेत्र के रणस्थल में युद्ध के लिए कृतसंकल्पित अर्जुन जब रणभूमि में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर संघर्ष से विमुख होना चाहता था, तो ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उसे कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए निष्काम कर्म की दीक्षा प्रदान की। गीता में कर्मयोग की व्याख्या स्पष्ट शब्दों में की गई है तथा कर्म और योग का निर्धारण किया गया है। कर्म शब्द का अर्थ परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार कर्म करना है तथा योग का अर्थ सामाजिक कर्तव्यों का श्रद्धा के साथ पालन करना है, जैसा कि कहा भी गया है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यातु प्रमुच्यता। गीता जगत में रहकर अनासक्त होकर कर्म करते हुए विश्व की रक्षा का आग्रह करती है। गीता में सत्य की प्राप्ति हेतु कर्म करने को आदेशित किया गया है। वह कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह है सफल कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म को अंधविश्वास और अज्ञानवश नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानव कर्मों के परिणाम के संबंध में चिंतनशील रहता है। कर्म के अशुभ परिणाम को देखकर वह कर्म को त्याग कर देता है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म वैसा कर्म जो बिना किसी फल की अभिलाषा से हो। जो कर्म फल का त्याग कर देता है वही वास्तविक त्यागी है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्माणि। अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति न हो। प्रोफेसर हिरियाना के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है।
कृष्ण ने भी कर्मयोग को गीता का मौलिक उपदेश कहा है। सकाम कर्म मानव को बंधनग्रस्त करता है, जबकि निष्काम कर्म मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था की ओर अग्रसर करता है। गीता में बार बार दोहराया गया है कि कर्म से संन्यास लेकर कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए। गीता कर्म फल के त्याग के क्रम में इंद्रियों के दमन करने का आदेश नहीं देती, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश देती है। गीता की तरह कांट ने भी कर्तव्य को कर्तव्य के लिए ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी करने का आदेश दिया है। इति समाप्तम्।